मुंबई के दहीसर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में शिवसेना नगर सेवक बालकृष्ण ब्रीद और शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी ने धारखाड़ी के अवध विद्यालय में फ्री कोरोना चेकअप शिविर रखा गया था, जिसमें जांच के दौरान करीब 10 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको सुरक्षा के साथ इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस संदर्भ में शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी ने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में शिवसेना की तरफ से जगह जगह पर कैंप लगाकर फ्री कोरोना चेकअप की जांच करवाई जा रही है, जिसमें पॉजिटिव आने वाले लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। अब तक इस क्षेत्र से 22 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की एक खास रिपोर्ट। आप यहाँ कितने कोरोना पेशेंट हैं और उनको किस तरीके से क्या इलाज चल रहा है और कहाँ इलाज चल रहा है और कहाँ रखा गया है? ऐसा है कि अभी प्रभाग क्रमांक 3 में टोटल अभी तक आज तक 22 पेशेंट है। सभी 22 के 22 में सभी को ये विभाग मागाठाने विधानसभा में भी आता है और दहीसर विधानसभा में भी आता है। सम्मान्य उद्धव जी ठाकरे साहब की तरफ से, सम्मान्य राजेश जी टोपे आरोग्य मंत्री इनके माध्यम से, सम्मान्य विलास भाई पुतनी हमारे विभाग प्रमुख, सुजाताई सिंगाड़े हमारे महिला विभाग संगठक, सम्मान्य आमदार प्रकाश सूर्य साहब, इनके माध्यम से सभी नगर सेवक लोग जो जो उनके प्रयत्न से जो जो गली में गली बोलियों में जा करके लोगों की समस्या क्या क्या उनको तकलीफ है, या वहाँ नगर सेवक हमारे वीर साहब वहाँ लोगों में एरिया में जाके जहाँ कोरोना बाधित अगर बुखार है उनको बुखार आ रहा है या सर्दी आ रहा है ऐसे लोगों में वहाँ एरिया में जाके कैंप लगा रहे। कैंप से होता है क्या, लोगों में पेशेंट कहाँ है मालूम करता है और जाकर तो वो पेशेंट को 2 दिन के बाद रिपोर्ट आने के बाद को उनका रिपोर्ट आने को उनको क्वारंटाइन में उनको दवाखाने में लेके जा रहे। तो ऐसे सरकार अपने अपने माध्यम से सभी शिवसेना के कार्यकर्ता नगर सेवक सभी में लोग अच्छे से काम करे और जितना लोगों को सुविधा दे सके रस्ते में उतर के शिवसेना के सभी कार्यकर्ता जोर शोर में लोगों को कोरोना बाधित किस तरह हमारे मुंबई महाराष्ट्र से देश से कम हो इसका प्रयास चालू है।